हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेस और मैं हूं आपका आशीष सर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, आपका एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया है और एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक में है। इतने जल्दी से इसका गवर्नमेंट का डिसीज़न आया है कि आप लोग बहुत घबराहट में आ गए हैं कि क्या किया जाए। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम को आप अपने दिमाग पे प्रेशर की तरह मत लीजिएगा। क्या होता है कि जब हम अचानक में किसी चीज़ के पास पहुंच जाते हैं और उसकी जानकारी नहीं होती है हमें, तो घबराहट होती है कि हम शुरू कहां से करें और अंत कहां करें, यह कहां पर जाएगा ये सेंटेंस जो हम शुरू कर रहे हैं। हमारे पास तो हमने कुछ तैयारी नहीं की, हमें कोई पहले से जानकारी नहीं थी। तो कोई बात नहीं गाइस, आप साल भर की पढ़ाई किए हैं, जो भी कम या ज़्यादा आपकी अच्छी खासी तैयारी रही है, आप उस पर विश्वास कीजिए। आप सडनली एग्ज़ाम आपके नज़दीक में आ गया है तो आप घबराइए नहीं। एग्ज़ाम को कैसे आपको फेस करना है, एग्ज़ाम को ऐसे फेस कीजिए जैसे आप फेस्टिवल को फेस करते हैं। कभी आपने रियलाइज़ किया कि होली आता है, दिवाली आता है, कोई भी त्यौहार आता है, दिवाली भी आपका पास में ही है, तो आप दिवाली जैसे आपके नज़दीक आ रही, तो आप एक महीने पहले से तो दिवाली की तैयारी नहीं करते। दिवाली की तैयारी आप कैसे करते हैं, नज़दीक में आ जाता है तो पूरे जोश के साथ, पूरे उमंग के साथ, पूरे उत्साह के साथ हम उसको मनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को ले लीजिए कि चलो सडनली अगर मुझे और अच्छा मौका मिला होता, थोड़ा और लंबा मौका मिलता तो मैं और बेहतर कर सकता था, लेकिन जितना भी मिला है मुझे उसमें बेहतर करना है। तो बेहतर करने के लिए गाइस, आपके पास सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट ये है कि आपके इस बार के सिलेबस में लगभग 60% NCERT पैटर्न के रूल्स के अकॉर्डिंग लगभग 60% आपको केवल ग्रामेटिकल तैयारी करनी है। और ग्रामेटिकल तैयारी भी बहुत डिफरेंट नहीं है, बहुत अलग नहीं है गाइस। आपका ग्रामेटिकल पावर भी बिल्कुल ईजी है, जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं वही आगे भी आपको पढ़ना है। तो इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होइए, खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि अगर आप घबराहट में आएंगे तो जल्दबाजी में अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो घबराहट से दूर भागिए, घबराहट जो आपके दिमाग में है उसे निकाल के बाहर फेंको। ठीक है, हमें कम मौका मिल पा रहा है, लेकिन आप अपने आप पे विश्वास कीजिए कि कम में हम अच्छा करने की क्षमता रखते हैं। यू नो, ऑलवेज माइंड दैट सक्सेस बिलोंग टू दोज हु डेयर, ऐसा कहा गया है। कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनमें साहस होती है। साहस नहीं है तो आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इट हैज़ बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन टू युधिष्ठिर बाई यक्ष, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। युधिष्ठिर से यक्ष ने एक प्रश्न पूछा था। अगर आप लोगों ने महाभारत की कहानियों को पढ़ा होगा तो युधिष्ठिर से यक्ष ने जो प्रश्न पूछा था कि एक व्यक्ति की रक्षा मुसीबत में कौन करता है, कठिनाई में एक व्यक्ति की रक्षा कौन करता है, तो बहुत सोचा समझा हुआ उत्तर जो है युधिष्ठिर ने दिया था, एक व्यक्ति की रक्षा कठिनाई में, मुसीबत में केवल उसका साहस देता है। तो आपको अपने साहस पर विश्वास रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने आत्मबल पर विश्वास रखना है, क्योंकि कामयाबी तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निहित है। टीचर्स, कोचिंग टीचर्स और समथिंग अदर, कुछ अन्य चीज़ें जो आपको परीक्षा की तरफ लीड करती हैं, वो सिर्फ आपको आगे बढ़ाने का काम कर सकती हैं गाइस। घबराहट में आपका साथ कोई देने वाला नहीं है, इसलिए सबसे पहले आप खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि हमने बताया ना, सक्सेस बिलोंग टू दोज हु देयर, कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनमें साहस होती है। एंड आई नो दैट यू हैव अ गुड कैपेबिलिटीज, यू हैव अ गुड पावर, यू हैव अ गुड एम्बिशन टू डू समथिंग स्पेशल। आपके अंदर एक महत्वाकांक्षा है, आपके अंदर एक साहस है, आपके अंदर एक जोश है, उस जोश को फीका मत पड़ने दीजिए। अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, रिलैक्स मूड से आप एग्जाम हॉल में बैठिए और फिर आप एग्जाम को लिखना शुरू कीजिए। हम आप करते क्या है कि जैसे ही पेपर को फेस करते हैं तो ऐसे लगता है कि हम पेपर ना फेस करके बॉर्डर पे खड़े हैं और दुश्मनों के बुलेट की जो है सामना कर रहे हैं। तो नहीं गाइस, आपको बुलेट नहीं, आपको एग्जाम का सामना करना है। और अगर एग्जाम का सामना करना है तो आपको अपनी स्टडी पर, आपको अपनी पढ़ाई पर, आपके अपने टीचरों पर आपको यकीन होना चाहिए कि जिन्होंने आपको पढ़ाया है, जिन्होंने अब तक आपको गाइड किया है, जो कुछ भी उन्होंने पढ़ाया है, जैसा भी पढ़ाया है, आप उसे अपने एग्जाम में मोटिवेट करके, अपने एग्जाम में कंसंट्रेट करके वहां पर ले जाएंगे और उसका सही सही जवाब देंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। आज एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, आपके पास एग्जाम्स में आएंगे क्या, किस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं गाइस।
तो सबसे पहले हम लोग टॉकिंग करते हैं इंटर के सिलेबस की, क्योंकि आपका भी एग्जाम डेट क्लियर हो गया है ना। तो एग्जाम डेट क्लियर हो गया है तो सबसे पहले हमें कंसंट्रेट करना है अपने एग्जाम पर। तो एग्जाम डेट क्लियर होने के नाते हम एग्जाम की ही बातें करेंगे। सबसे पहला तो आपके पास आ जाता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आता है गाइस। एक्सप्लेनेशन कहां से आता है? जब हम सेंटेंस को, आप जब लेसन को पढ़े हुए हैं, कंसंट्रेट किए हैं, तो एक्सप्लेनेशन किसी भी टेंस से आपसे पूछ लेता है। किसी भी पार्ट का एक पैसेज दे देता है, उस पैसेज को पढ़ना है, पढ़ करके उसके सेंस को समझना है, फिर पूछता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज विथ रिफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। तो रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट करने का मतलब आपको मिनिमम 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। अगर बात करते हैं हम 4 नंबर का ही ले लें तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपका कितने नंबर का आ जाता है? 4 नंबर का आता है। तो सिंपल सा ऑप्शन है गाइस, आपने स्टडी की है, आपने पूरी पढ़ाई की है, तो आपको आपके लेसन का नाम, आपके लेसन के राइटर और पोएट का नाम अच्छे से तैयार रखना है। केवल लेसन का नाम और राइटर्स नेम आपका क्लियर हुआ तो रेफरेंस आपका क्लियर हो जाता है, और वो रेफरेंस आपको देता है आराम से 1 नंबर दे देता है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका एक्सप्लेनेशन होगा। और गाइस डोंट वरी, केवल एक ही पैसेज नहीं देता, पैसेज आपको दो देगा, ए और बी करके देगा, और दोनों में से किसी एक को ही करना है, दोनों नहीं करना पड़ता है। तो आप दो जो आप समझते हो कि जिस पर आपका अच्छा कमांड है, जिस पर एक आपका अधिकार है, आप उसके बारे में अच्छे से जानते हो, उसी पैसेज को सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप क्या कर लेंगे कि आप पैसेज को सेलेक्ट किए तो पहला हेडिंग आता है रेफरेंस। रेफरेंस होता है, हम रेफरेंस की बात करते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? संदर्भ। अब अगर आप संदर्भ की बात करोगे तो संदर्भ में क्या लिखते हैं हिंदी में? आप क्या लिखते हो? प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक, आपकी किताब का नाम से लिया गया है, इसके लेखक, जो भी उस पाठ के लेखक होते हैं उनका नाम डालते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, द एबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम, जिस लेसन से आपका पाठ, जिस लेसन से आपका पैसेज लिया गया है, उस लेसन के पैसेज को उस पाठ से जोड़ते हैं कि द एबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम। जैसे मान लीजिए कि एक आपके टॉपिक से अलग करते हैं, अ लास्ट चाइल्ड है, ठीक है, अ लास्ट चाइल्ड था आपके स्टोरी में एक, ठीक है, तो आप मान लीजिए उसी से पैसेज दे दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, द एबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लास्ट चाइल्ड हैज बीन रिटन बाई आपके राइटर का नाम, आराम से आपका 1 नंबर क्लियर हुआ। अब हमें गेस करना क्या होता है कि उस पैसेज में किस चीज का वर्णन किया गया है, किस चीज पर फोकस किया गया है। अब जिस चीज का वर्णन किया गया है, मान लीजिए कि अगर मैंने कहा कि लास्ट चाइल्ड का अगर बात करते हो, लास्ट चाइल्ड में क्या था कि एक बच्चा खो जाता है, अपने माँ बाप से अलग हो जाता है, मेले में बिछड़ जाता है। तो जब बिछड़ जाता है तो उसके कॉन्सेप्ट का वर्णन किया गया है। जब उसके कॉन्सेप्ट का वर्णन करते हैं गाइस, तो हम क्या करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट पर प्रकाश डालते हैं कि इन एबव पैसेज राइटर वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ स्टूडेंट, अ फीलिंग ऑफ चाइल्ड, उस बच्चे की भावना को, वेन ही वॉज इलेक्ट टू हिज पेरेंट्स, जब वो अपने माता पिता से अलग हो जाता है और उनको अपने पास नहीं पाता है, तो उसकी उस समय की स्थिति का वर्णन लेखक ऊपर दिए हुए पैसेज में करता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, जैसे आपने हिंदी में लिखा है व्याख्या, उसी तरीके से आप वर्णन करना शुरू करते हैं। तो आराम से 6 नंबर आपके ही पेपर में, आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, केवल लेसन को पढ़ो, लेसन के राइटर्स के नेम जानो और लेसन का नाम जानो, तो आराम से 6 नंबर आपका पेपर ही आपको दे देता है। वही कंडीशन आपके पोइट्री से होगा, 8 नंबर हो जाएंगे। फिर दो क्वेश्चन आपको शार्ट आंसर टाइप पूछेगा, जिसमें दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो दो दो नंबर के शार्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 या 4 ऑप्शन देगा, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, और आंसर देने के लिए क्या बोलेगा, गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग एनी 2 क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए हुए प्रश्नों में से किसी 4 में से दो का ही उत्तर आपको देना है। तो जो आपको आ रहा होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं और मुझे पता है कि आपने अच्छे से तैयारी की है, क्योंकि आपको अच्छा मार्क करना है, आगे अच्छा विकास करना है, अच्छे रैंक लाने हैं, अच्छे प्लेस वैल्यू बनानी है, तो मुझे पता है कि आप लोगों ने पहले से ही अच्छी तैयारी कर रखी है।
अच्छी तैयारी कर रखे हो तो अच्छी तैयारी के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में मेहनत करते हैं, तो बेहतर है कि आप अपने आप पर विश्वास रखिए। तो ये आपके जो होते हैं लगभग 40% यानी कि 40 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो आपके क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट से आएगा, आपके एक्सरसाइज की बुक से आएगा, टेस्ट बुक से आएगा। ठीक है, अब बचता है आपका 60 नंबर। ठीक है, हम 60 नंबर की बात करते हैं। ये 60 नंबर आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, ग्रामर से मिलने वाले हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि आप क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, या फिर पहले आपका सबसे पहला चैप्टर होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, फिर सेंथिसिस हो जाएगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बाद आपका आता है सेंटेक्स हो जाता है। ये चार मैटर्स आपके होते हैं जो वो ग्रामेटिकल होते हैं, जिसमें से आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को तो पहले ही से ही पढ़ रखा है। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करो तो इसे पिछले हम 4 सालों से तैयार करते आ रहे हैं। एज 9th में भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने को मिला था, 10th में भी मिला था बोर्ड एग्जाम के लिए, और वही कंडीशन आपके 11th 12th में भी है। तो आपका ये तो एक पार्ट ऐसा है, मुझे लगता है कि आप हर कोई इस पर एक अच्छा कमांड रखियो, नहीं रखियो तो कोई बात नहीं गाइस, मैं विद इन 2 वीडियोज आई विल कंप्लीट योर होल ग्रामर्स। मैं 2 वीडियो में आप लोगों का पूरा ग्रामर कंप्लीट करवाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। तो पहला ऑप्शन आपका ये मान लीजिए क्लियर है। फिर सेंथिसिस क्या होता है, आपका संश्लेषण होता है, यानी कि वाक्यों को जोड़ने की प्रक्रिया। हम एक से अधिक वाक्यों को एक ही में मिलाकर उसे पूर्ण भाव के साथ प्रकट करते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका सेंथिसिस कहलाता है। अब अगली बारी आती है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू ट्रांसफर द सेंटेंस इन अनदर बट नेवर चेंज दियर मीन्स। ठीक है, हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना बिना उसके अर्थ में किसी परिवर्तन को किए हुए। मतलब एक ही वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना है लेकिन उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है आपका। बचता है सेंटेक्स, और गाइज आई वुड लाइक टू बी श्योर्ड यू, मैं आपको एकदम कन्फर्म बता देना चाहूँगा कि ये जो आपका सेंटेक्स है, सेंटेक्स एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दोनों आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। बस फर्क यहाँ है कि इंटर में आपको इसकी डीपली जानकारी दी गई है और वही जानकारी आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, लेकिन फर्क इस चीज का रहा है कि पिछली कक्षाओं में हम चैप्टर वाइज पढ़े हैं और उस पर कंसंट्रेट नहीं किया गया है, जबकि आपको यहाँ पर कंसंट्रेट करना है, जिसमें आपको टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच की चीज़ें मिलनी है, आर्टिकल पढ़ने हैं, वर्ब पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ने हैं। तो ये जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो सेंटेक्स के अंतर्गत आती हैं, तो डेफिनेटली आपने इसे शुरू से ही पढ़ा है, तो आपके लगभग लगभग ग्रामर का पोर्शन तो आप पहले से ही क्लियर कर चुके हैं, बचता है सेंथिसिस और सेंटेक्स। तो एक दिन के, केवल एक दिन के वीडियो में मैं आपका सेंथिसिस क्लियर करूंगा, और इट्स अ चैलेंज कि आप लोग अगर देख लेंगे तो आपके लिए इतना इजी लगेगा सेंथिसिस कि वो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सेंथिसिस से भी आसान हो जाएगा। ये अच्छे से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप ये गेस करके चलिएगा, जब हम सेंथिसिस करते हैं, संश्लेषण करते हैं, तो हमारे पास 3 सेंटेंसेज आते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और उसके साथ में एक एक्स्ट्रा सेंटेंस आता है कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को इन्हीं 3 सेंटेंसेज में पूरा खत्म करते हैं, तो उस 3 सेंटेंस को हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हमारा टारगेट क्या है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम जो आ रहा है उसके लिए। तो अब आपका ये हो गया 4 पैटर्न आपके ग्रामर से। इसके अलावा जो आता है आपको गाइस, आपका आ जाता है लेटर एंड एप्लीकेशन, वो भी आपको बताया ही गया है, लेटर एप्लीकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, लेटर और एप्लीकेशन जो आपका आता है, ये आपके चारों पैटर्न से लगभग 8 से 10 नंबर आपको मिलने हैं गाइस। कितने मिलने हैं, 8 से 10 नंबर। ठीक है, ये जो आपके 4 मैटर्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंथिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेक्स, इनसे लगभग 8 से 10 नंबर आपको मिलने हैं।
उसके बाद हम आते हैं, मान लीजिए आपका एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग होता है, लेटर राइटिंग की अगर बात कर लें तो इससे भी आपको 6 नंबर के आसपास आपको मिल जाते हैं, ठीक है, 6 नंबर लेटर राइटिंग में आपको मिलते हैं। और आपका कंपोजिशन राइटिंग होता है, कंपोजिशन की बात करें तो ये 8 नंबर से 10 नंबर देता है आपको, 8 से 10 नंबर दे देता है कंपोजिशन आपको, ठीक है, कंपोजिशन हो गया। उसके बाद ट्रांसलेशन हो जाता है आपका, ट्रांसलेशन होता है गाइस, ये भी आपको कम से कम 8 नंबर देता है। तो इस तरीके से आपके ग्रामर के जो नंबर होते हैं, ग्रामर के जो नंबर होते हैं आपके टेस्ट बुक से ज़्यादा सॉलिड नंबर आपको देते हैं और आपके लिए आसान भी होते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ को चाहे टेस्ट बुक हो चाहे ग्रामर्स का हो, हमें दोनों में से किसी पर भी हेजिटेट नहीं होना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंट होइए, आराम से आप फोकस कीजिए। पहले के जो 15 मिनट आपको मिलते हैं वो आपको मिलते हैं किस चीज़ के लिए, आपके 15 मिनट जो आपको मिलते हैं वो सिर्फ आपके पेपर रीडिंग के लिए मिलते हैं। जो आपको 15 मिनट का टाइम पेपर रीडिंग के लिए मिलता है, अगर आप उस 15 मिनट में पेपर रीड नहीं कर पाते हैं तो गाइज घबराइए नहीं, फिर भी आप कंफर्ट रहिए, उसको 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, 15 के बजाय 20 मिनट जाएंगे। लेकिन उस 20 मिनट के बाद वो पेपर आप एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जब भी स्टडी करते हैं पढ़ाई करते हैं अगर उस पर एक से दो बार हम फोकस डाल दें, अच्छे से अपना ध्यान लगा के उसकी स्टडी कर लें, तो नियरली नहीं अगर कुछ तो कम से कम 50 से 55% चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। इसलिए पेपर रीडिंग करते समय कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई भी घबराहट नहीं, आराम से आप पेपर को रीड कीजिए। और उसके बाद आप जो है जहां से आपका पेपर शुरू हो रहा है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उस पर जिद पकड़ के बैठ जाओ, यार तो पहला ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पहला नहीं आ रहा है दूसरा आ रहा है, आप आंसर नंबर सेकेंड डालो, सेकेंड डाल करके उसे सॉल्व करना शुरू करो। तो गाइज ऑल टोल्ड इन ऑल एडिशन आई वुड लाइक टू टेल दैट, केवल मैं इतना कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में बैठते समय आपको घबराहट नहीं, एक उमंग होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल उस तरह से जैसे लंका में जाते समय भगवान बजरंगबली के मन में था कि उन्हें लगा कि अब मैं जा रहा हूँ और मुझे बहुत उत्साह हो रहा है तो कार्य सिद्ध होगा। अगर आप डिप्रेशन में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, घबराहट में हो और कोई काम शुरू करो तो डेफिनेटली वो बिगड़ जाता है। इसलिए किसी भी काम को करते समय सबसे ज़्यादा खुश होना अनिवार्य है, आपको अपने आप पर विश्वास करना अनिवार्य है, आप में वो क्वालिटीज़ हैं, आपने वो सारी तैयारियाँ की हैं, आप डेफिनेटली उसे कर सकते हो, ये आपको लगना चाहिए। अगर ऐसा लगा यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कैसे लिखूँगा, क्या पूछ लिया है, अगर ये सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी तो जो आपने तैयार किया है गाइज एग्ज़ाम हॉल में जाते वो भी भूल जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, विदाउट हेजिटेशन गो एनीवेयर एंड डू समथिंग स्पेशल फॉर यू, दैट्स इनफ। तो आज मैं आपको सिर्फ एग्जाम पैटर्न्स की बात किया, आपको मैटर्स आपको मैं देता रहूँगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड बी रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन बिकॉज यू हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम, योर एग्जाम इज एट हैंड, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट द गुड मार्क्स एंड अचीव योर ओन टारगेट, दैट्स ऑल। Good afternoon and goodbye. Take care of yourself.